मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। बेवफाई का खौफनाक बदला, हाथों में मेहंदी, कोर्ट मैरिज की तैयारी, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी का काटा प्राइवेट पार्ट, साजिश के तहत बुलाया था उसे नर्सिंग ऑफिस, बिहार के छपरा में प्रेमिका ने अपने प्रेमी को एक ऐसी दर्दनाक सजा दी कि पूरा देश खौफ से भर गया। शादी से इनकार करना एक युवक को बहुत भारी पड़ गया, लेकिन सवाल ये है कि जब इस मसले को बातचीत से हल किया जा सकता है तो गुनाह क्यों? जो कभी जान हुआ करता था वो आज जानलेवा हो चुका है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। प्रेम शब्द का जब भी कोई इस्तेमाल करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये शब्द ही ऐसा है। इस शब्द में बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल है। प्रेम तो हमें किसी से भी हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, लेकिन कुछ लोगों की वजह से लोग प्रेम पर यकीन करना बंद कर देते हैं। बिहार के छपरा में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद कटे हुए पार्ट को वॉशरूम में बहा दिया। शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने इस घटना को अंजाम दिया। दोनों के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माडोरा नगर पंचायत स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम की संचालिका प्रेमिका का प्रेमी वेद प्रकाश वार्ड नंबर 12 का पार्षद से कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कल अचानक प्रेमिका ने प्रेमी को पहले अपने घर पर बुलाया और फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। प्रेमिका का कहना है कि दोनों सोमवार को कोर्ट में शादी करने वाले थे, लेकिन प्रेमी ने इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर प्रेमिका ने इस घटना को अंजाम दिया। उसने बताया कि वेद प्रकाश के साथ वह कई बार फिजिकल हो चुकी है। प्रेमिका का कहना है कि वेद प्रकाश शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता था। प्रेमिका ने बताया कि 3 बार अबॉर्शन भी करवाया है। शादी के नाम पर हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर इनकार कर देता था। इस बार कोर्ट मैरिज को लेकर तैयार हुआ, लेकिन फिर इनकार कर दिया। लेडी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने ऐसा कदम इसलिए उठाया ताकि वेद प्रकाश किसी और लड़की को इस तरह की घटना को अंजाम न दे। वही पुलिस का कहना है कि लेडी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर एक बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब पुरुष शादी के लिए तैयार नहीं होते तो महिला दूसरी बार भी संबंध बनाने के लिए तैयार क्यों हो जाती है? इसी कमजोरी से महिला का शारीरिक शोषण होता है। महिलाओं को भी अपने ऊपर काबू करना चाहिए। प्राइवेट पार्ट काटने से क्या वह महिला उसके साथ अब शादी कर पाएगी? अब मैं वेद प्रकाश को प्रेमी काटती हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले ही बहुत सारी लड़की से जिंदगी बर्बाद किया था। सवा साल से शादी का झांसा देकर मुझे मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था। 3 बार अबॉर्शन करवाया, उसके बाद अब वो शादी से ना कर रहा था। यहाँ पे खाना पे आने के बाद फिर वो शादी के लिए यहाँ कर दिया था। फिर रजिस्ट्रेशन भी कर हो गया था 8 अप्रैल को। फिर शादी का डेट आया 10 मार्च को आया। फिर उसके बाद बहुत सारा डेट 7-8 डेट देते गया, चेंज करते गया, देते गया, चेंज करते गया। आज भी शादी का डेट था, आज भी मेरे हाथ में उसके नाम का मेहंदी भी लगा हुआ है। और फिर आज वो धोखा दिया। मैं हर बार भाग जाता था, इस बार भागा नहीं लेकिन धोखा दिया। इसलिए मैं अब इसमें आकर मैं ऐसा कर दी, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि जान से मरे। मैं सिर्फ अब इसमें आकर ऐसा कुछ की हूँ कि सिर्फ किसी लड़की का जिंदगी और बर्बाद न करे। 7 तारीख का डेट दिया कि 7 तारीख को शादी करेंगे। फिर शुक्रवार को फिर बोला कि नहीं कहीं ये कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर भैया के पास गया, भैया से डेट लिए एक बार फिर मकर में। ठीक है, भैया के पास गया तो भैया डेट दिए। भैया नहीं देती, ये हमारे पास आके बोला था कि ये 28 तारीख को नहीं बोला कि लास्ट महीना में, इस महीना के लास्ट महीने में शादी कर लेंगे। फिर लास्ट महीना में आया तो लास्ट महीने तो 20 से 25-30 तक, तो 25 से 30 के बीच में कर लेंगे। तो 25 से 30 के बीच में तो 30 तो संडे था, सैटरडे 29 हो गया, तो 20 से 28 के बीच में, तो 28 तारीख को शुक्रवार को फाइनल हुआ। शुक्रवार को किसी कारणवश फिर कैंसिल हो गया, तो फिर आज का डेट दिया हुआ था। आज मतलब माला बोले तो रजिस्ट्रार साहब लाने के लिए माला भी आया हुआ, मेहंदी भी लगा हुआ, सब कुछ है। ये सुबह से रात में भी मेरे पास आया था, झेलना पड़ता है। रात में 12 बजे तक आया था, 12 बजे तक रहा, फोटो आना चाहिए। और बोला क्या की
कि कल रात में रजिस्ट्री ऑफिस खुलवा और रात में शादी करेंगे। रात में कौन सा शादी होता है, हर एक नियम कानून है, हर चीज का एक समय है, तो कौन नहीं खोलेगा। रजिस्ट्रार साहब को गाली देकर कह रहा कि अभी खुलवा और फिर शादी करते रात में 12 बजे, कल रात की बात कर रही हूँ। सुबह में बोला कि फोन पे बोल रहा है कि शादी नहीं करो लेकिन हम आजीवन रहेंगे ऐसे ही, आजीवन 20 रूप से रहते हैं। एक रफेल भी होता है ना, उसका भी लोग मेंटेनेंस देता है, रूम देता है, गाड़ी देता है, उसका हर एक खर्चा देता है, वो पर्सनल एक यूज के लिए रखा होता है। किसी का भुगतान करना है तो कानूनन जुर्म है, तो किसी को बार बार यही करना, आपको नहीं पता है किसी के साथ फिजिकल 3 बार अबॉर्शन करवाना, खुद दवाई खिलाना, खुद अबॉर्शन किया, कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, तो सारा पेपर पे लिखा होगा, उस पेपर पे अगर दिया होगा तो उस टाइम में प्रेगनेंट हुआ। क्योंकि मैं कबूल नहीं की, रामचंद्र जी भी छल से बाली का वध किए थे, तो वो उनके ऊपर भी कोई नियम कानून नहीं लगा था, लगाना है तो लगा दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भी तो छल किए थे ये कौरव के साथ, पढ़ेगा अच्छा, किसी को धोखा दे रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, दिन रात धोखा दे रहा है, किसी को फिजिकल यूज कर रहे हैं, किसी को मतलब आप शादी का झांसा देकर आप